हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग शुरुआत होता है हमारा बारिश से। देखिए दोस्तों, अभी साफ सफाई चालू हुई, साफ सफाई करने के बाद इसको कुदाल से हल करेंगे दोस्तों, क्योंकि इधर सब्जी वब्जी लगाने का है, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती करने का है दोस्तों। देखिए थोड़ा ही कुदाल से हना है मैंने, तो जितना तक होगा उतना तक कुदाल से हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलो तो खोदते दोस्तों, कुदाल से खनते हनते। देखिए दोस्तों कुदाल टूट गया है, फावड़ा पूरा टूट के बिक रहा बड़ा है। चलो घर जाते हैं, घर जाके और एक दूसरा वाला फावड़ा लेके आते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कैसा वाला आज जंगल सा कहते हैं हमारा, पूरा जंगल ही जंगल इधर। देखिए तो दोस्तों घर से ले आए दूसरा फावड़ा, चलिए काम शुरू करते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं, हमारा बाड़ी कैसा बिखरा हुआ पड़ा है। ये देखिए जंगल जैसा दिख रहा है, जंगल के बीच में से हम खेती करेंगे। चलो देखिए दोस्तों खेती करने के लिए जंगल के बीच में। तो दोस्तों अभी नहा धो के आ गया हूँ खाना खाने के लिए। खाने में सादा सब्जी है, दाल चावल खा के मिलते हैं। तो दोस्तों आप चलिए, तो दोस्त को हो गया शाम। शाम को मच्छर बहुत लगते हैं दोस्तों गांव में। देखिए दोस्तों हम धुआं दे रहे हैं और उधर सब लड़के लोग प्रोग्राम बना रहे हैं भोजी करने के लिए, चिकन भोजी बना रहे हैं। तो चलिए चिकन का भोजी का तैयारी करते हैं दोस्तों। तो इसको धुआं धुआँ दे के देने के बाद आपसे मिलते हैं। बहुत सारा मच्छर लगता है, इधर बैठेंगे। और ये देखिए दोस्तों पट्टी चालू है, उनका डिसीजन चलिए भोजी होगा कि नहीं। दोस्तों अभी हमारे भोजी के लिए रेडी हो चुके हैं। तो देखिए हमारा चावल बैठ गया है, ये देखिए हमारा रसोई है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारा खाना बनाते हैं ये रसोईया। ये देखिए लकड़ी वकड़ी ले आए, और देखिए हम ऐसा जगह भोजी कर रहे हैं कोई नहीं आता है इधर। देखिए चारों ओर कहते ही लड़का सोया हुआ है देखिए, और बिजली का भी कोई टेंशन नहीं है। देखिए लाइट वाइट लगा लिया है, और देखिए टाइम 6:30 बजे कोई शुरू हुआ है हमारा भोजी। तो देख सकते हैं दोस्तों रात को घने अंधेरे में इस खेत के बीच में अभी भोजी चल रही है। देखिए दोस्तों धान का खेती हुआ है इधर, धान भी देखिए दोस्तों धान का खेती हो गया है। देखिए धान, ये देखिए दोस्तों धान भी हो गया है, पर कुछ दिन के बाद इसका हार्वेस्टिंग होगा। देखिए अभी प्याज काटना चालू है दोस्तों, ये अभी लहसुन छिल रहा है, अभी प्याज काटेंगे मसाला बनाएंगे। और उधर चावल बन के रेडी हो गया है दोस्तों देखिए, और रात का टाइम ही हो दोस्तों, बहुत ठंडे भी बहुत है दोस्तों। तो ब्लॉग को एंजॉय कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए चिकन ले आए, चिकन का पैर भी ले आया है, इसको चिकन साथ अभी आलू भूनना चालू हुआ है। देखिए चूल्हे लकड़ी का चूल्हे से बहुत टेस्टी होता है दोस्तों खाना, ये देखिए। और इधर प्याज काटना चालू हो गया है, हमारा लड़के लोग सब मसाला बनने के लिए रेडी हो चुके हैं दोस्तों। ये देखिए ढोंगी हवा को देखिए कैसा काट रहा है, रो रो ढोंगी जैसा काम करता है ये। ये देखिए रो रो गए, प्याज काट रहा है, अदरक काट रहा है, सब काट रहा है। तो दोस्तों अभी चिकन बनेगा, अभी मसाला वसाला सब पीस के ले आए। तो दोस्तों तो अभी तेल गर्म हो रहा है, अभी सूखा मसाला जो रहता है एक लकड़ी वाला, दालचीनी गुजराती ये सब होता है, तो अभी डाल रहे हैं। अभी प्याज डाल रही है, देखिए थोड़ा गर्म होने दीजिए उसको, उसके बाद प्याज डाल रही है। देखिए प्याज डालने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा ब्राउन कलर होने के बाद तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो अभी प्याज को थोड़ा पकने देते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ब्राउन जैसा हो गया है प्याज, अभी इसमें डालेंगे मसाला। ये देखिए दोस्तों थोड़ा पानी इसे मिला के देना पड़ता है इस मसाले को, इतना नहीं छूटेगा इस जग से। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट अभी डाल रहे हैं प्याज ब्राउन होने के बाद। तो थोड़ा अभी हल्दी डाल रही है दोस्तों, देखिए
और जितना भी मसाला रहता है इसमें डाल के थोड़ा अच्छे से तरह से फ्राई करके उसके बाद चिकन डालेंगे। ये देखिए चिकन हमारा रेडी है पन्नी में। पहले इसको हम धो लेते हैं थोड़ा अच्छी तरह से। तो मसाले को पकने दीजिए तो भाई लोग हम चिकन धोने के बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों ब्लॉग को एंजॉय कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों अभी चावल भी बन गया है, हमारा चावल बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए हमारा मसाला भी बन के रेडी हो चुका है। अभी इसमें चिकन डालना बाकी है दोस्तों। चलो चिकन को धो लेते हैं थोड़ा अच्छे से, तो उसके बाद मिलते हैं दोस्तों। चिकन धो के उसका अंदर डाल दिया है देखिए मसाला में, तो इसको अभी ढक देंगे। ढकने के बाद थोड़ा इसको अच्छे से फ्राई होने के बाद इसको आप वो कस्सा निकल के जो चिकन का कस्सा आता है रस्सा, उसको साइड में निकल के दिखाता है। दोस्तों अभी चिकन हमारा बन गया है, अभी इसको हम टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसे हुआ है। तो इधर पानी भी दे चुके हैं दोस्तों चिकन में, देखिए तो पानी दे चुके हैं। तो दोस्तों बहुत ही चिकन टेस्टी है। तो दोस्तों खाना को एंजॉय करने के बाद आपसे मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी खाना पीना चालू हो गया है चिकन अच्छा खाने के बाद। देखिए दोस्तों सब खा रहे हैं, देखिए हम भी खाना खा लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों प्लीज़ दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों रात को कोहरा कैसे हो गया है, रात पूरा घने अंधेरा कोहरा छा गया है दोस्तों। अभी सब बर्तन बर्तन मांजने का है। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं इसमें एंड। तो दोस्तों मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।